हालचाल इंडिया, मेरी है विनीता के साथ। आई देखते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 मामले में जांच के आदेश, मैप आईटी के सहयोग से होगी मामले की जांच। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के परिणाम में गड़बड़ी के लगे थे आरोप। अभ्यर्थियों ने कल गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से की थी मुलाकात। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, रिजल्ट सिर्फ एक बार ही आया है, रिजल्ट आया है वह बहुत स्पष्ट है, पहले और बाद की बात ना करें। अगर किसी ने इस तरह का कूट रचित किया है, यह कूट रचित ही होगा क्योंकि रिजल्ट एक बार ही जारी हुआ है। इस विषय में मुझसे भी बच्चे मिले थे, मैंने उसी समय कर्मचारी चयन बोर्ड के सबसे बड़े अधिकारी उनसे बात की थी और मैप आईटी के सहयोग से जांच के आदेश दिए गए हैं। एक आज विषय था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी 5 लाख परिवारों के लिए, आज मंगलकारी दिन है, माननीय प्रधानमंत्री जी 5,21,000 लोगों को गृह प्रवेश कराएंगे, मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराने का। प्रधानमंत्री जी जब से बने हैं तब से ही आप देखें, लगातार गरीब कल्याण की योजना है, चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे वो उज्ज्वला के सिलेंडर गैस के हो, चाहे मुफ्त का अनाज कोरोना के टाइम का हो, लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। उनकी घोषणा के बाद से अभी तक 24,10,000 लोगों को हम आवास दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज दोपहर 1:45 बजे छतरपुर में इस कार्यक्रम में के लिए जाएंगे और प्रधानमंत्री जी भी वीसी के माध्यम से इससे जुड़ेंगे। एक विषय और है इसमें, अरुण भैया ने एक ट्वीट किया था ना कि ये किसको फिक्र थी कि कबीले का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे थे कि सरदार कौन हो। धीरे धीरे धुंध हटती जा रही है, पायलट जी दूरी बना ली है, हमारे अरुण यादव जी सोनिया जी से मिल लिए, माननीय अजय सिंह जी कतार में हैं। कांग्रेस का सूर्य अस्ताचल की ओर है, हमारी तरफ न देखें। सच मानिए हुजूर, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है।